Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hi friends, मेरा नाम है दिनेश और आप सभी को फिर से मेरी चैनल ओडिशा विलेज मस्ती में स्वागत है। तो मेरी फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं लेके आया हूँ हमारे यहाँ जो कालीकोट की नियर है, नारायणी टेम्पल। तो ये जो मंदिर है, मतलब भौतिक और जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। तो मेरी फ्रेंड्स, मंदिर का जो बनाया हुआ जो पुराना मंदिर है, बहुत साल हो गया है। तो मेरी फ्रेंड्स, ये मंदिर का पूरा व्यू आप सभी को मैं दिखाऊँगा जो हमारे यहाँ कालीकोट की नियर है। मतलब क्या बताएँ, हमारे जो ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट है उसकी अंदर जितना भी सारा पिकनिक स्पॉट और मंदिर जो भी कुछ है, बहुत अच्छे और ऑसम दिखने के लिए तो क्या लाजवाब है। तो मेरी फ्रेंड्स, आप सभी को आज हम लेके आए हैं ये कालीकोट की नियर नारायणी टेम्पल। तो मेरी फ्रेंड्स, मंदिर की अभी हम बाहर खड़े हैं और आप देख पा रहे हो मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ सारा सामान मिल जाता है जो पूजा में लगता है, केले, दिया वगैरह, नारियल, तो फ्रेंड्स यहाँ खरीद सकते हो। मेरी फ्रेंड्स, तो अभी चलेंगे सीधा मंदिर की ओर। मंदिर का सारा वीडियो आप सभी को अभी दिखाएंगे। तो मेरी फ्रेंड्स, चलो चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, अभी चलेंगे हम थोड़ा पूजा करके और मंदिर का सारा वीडियो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, चलो अभी फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के गेट के पास। पूजा करने का क्या कंडीशन? सेकंड जाने पूजा जाने है। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए यहाँ 5 रुपया लगता है टिकट उनका, तो कंडीशन तो यहाँ देखे फिर चलते हैं अंदर। फाइनली हम ले लिए हैं टिकट, अभी चलेंगे मंदिर। अभी आप सभी को हम वीडियो क्लिप दिखाए कि मंदिर का जो पूजा किए पंडित जी, और बाहर का वीडियो दिखाए, और एक वीडियो क्लिप जो ऊपर मिल जाएगा हमें। हम अभी जाएंगे ऊपर, तो ऊपर का व्यू आप सभी को अभी। मंदिर जब दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब देखने के लिए तो बहुत खूबसूरत है। तो
मेरी फ्रेंड्स, चलो चलते हैं आगे। अभी हम आगे हैं जो ऊपर वाले जो मंदिर है, तो देखो जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है और मंदिर, मतलब आपको तो दिखा है कि रोड जो रफ रोड है और बाकी का जो व्यू है। अभी ये ऊपर वाले मंदिर को आप सभी को दिखा के फिर मिलते हैं नीचे और मंदिर का हिस्ट्री में बारे में थोड़ा पंडित जी को पूछेंगे। तो फ्रेंड्स चलो अंदर दिखा। चीज़ दिखाएंगे जो मतलब मनोकामना होता है किसी का, अगर कोई किसी का पूरा हो जाए तो मतलब मनोकामना यहाँ अगर पूरा हो जाता है, मंदिर में आते हैं और एक पेड़ में एक मतलब धागा बांधते हैं, वो जो धागा वाला पेड़ आपको दिखाएंगे जहाँ बांधते हैं और बांधने से मनोकामना पूरी होती है यहाँ का। तो मेरे फ्रेंड्स चलो, मंदिर तो आपने देखा और वही पेड़ के पास आपको लेके चलते हैं। यही जो पेड़ है जो आपको मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं लोग यहाँ के आसपास लोग, अगर आपका अगर कोई मनोकामना है, अगर यहाँ पर पेड़ में देख सकते हो, अगर कुछ मंदिर सोच के अगर यहाँ एक धागा बांधोगे, अगर मंदिर की जो भगवान को बोलोगे तो मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि यहाँ पूरा हो जाता है आपका मनोकामना। तो मेरे फ्रेंड्स ये पेड़ देख सकते हो कितना सारा धागा बांधा हुआ है और बहुत लोग ये मंदिर में आते हैं। मंदिर आप देखिए और मंदिर का अभी आप सभी को मैं लेके चलूँगा जो पंडित जी के पास, जो इस मंदिर का पूरा जो ऊपर और नीचे पूरे देख सकते हो, चारों ओर पूरा जंगल ही जंगल है। मंदिर कहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हिस्ट्री, नीचे जो हमारा पंडित जी हैं हम उनके पास आपको लेके चलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स चलो पंडित जी के पास सीधा चलते हैं और मंदिर के बारे में, मंदिर के हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी ये मंदिर का जो हिस्ट्री है, जो पंडित जी हमारे पास खड़े हैं, उनको पूछेंगे कि मंदिर का जो कितना साल हुआ है और कैसे कौन बनाया है मंदिर। तो मेरे फ्रेंड्स चलो पूछते हैं पंडित जी को, वो बताएंगे मंदिर के बारे में। शरणांगत्नात्मामृतराणप्राणी सर्वस्यादिमानारायणस्ते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वात्साधिक शरण्ये त्र्यम्बके मनारायणस्ते। मु मोना होची ज्ञानरंजन शतपथी, मु मंदिर 3-4 वर्ष होगा पूजा करके बसि, मोर बापा दादा हरिका पूजारी अच्छा से परंपरा अनुसार मन पूजारी अच्छे कह मंदिर विषय कह रही खल्लिकोट राजा थे ये शिकार करवाक आसार करवाक आस प्रोग्राम से कौन कले ना ये झरणाटा अच्छी झरणा साधारणतः मानते देखा गले झरणा पाक आस मृग का कौन प्रकार हिंसा जंतु आसती मैं शिकार शिकार जो आसे कौन कराए ना झरणा पाखे बस लेखा शिकारा ठीक भाव परफेक्टली जो ये करके ये करते आसिक राजा शिकार धीरे कि बस पाखे से देखी नारायण मंदिर। नारायण मंदिर गोटे पथर से या से मंदिर गोटे पंथर ऐसी पाखे बस देखी मंदिर भितर ठाकुराणी अच्छा से दिन ठार से माँ पाखे अधिया पड़े अधिया पड़लापर खल्लिकोट राजा पुणी लोक मैंने मानने राजकिशोर देवता जी एठारे आणिकी पूरी आम ओरिजिनाल जगह हूँ पूरी पूरी से आठ रखी पूजा करने को आरंभ कले से मंदिर आरंभ है पूजा करने गोटे कौन अच्छी ना आम सुरा पूजा होने मद मद पूजा हमारे परंपरा गोटे अच्छी विगत ये परंपरा अच्छी से मदे कौन आमर जे जेजेबापा से मद पीकर कौन प्रकार मानते पूजा पूजा भक्ति भाव में करते से लोक जाने जे आमर ये पूजारी मद पी ये करटर्बान करण प्रकार ये कर राजा डाकिले परीक्षा करने कहले पूजा पूजारी केमी चलती बर्तमान मो नारायणी मंदिर पूजा से कहले बर्तमान ठीक मद आम जिन माछ मंस पूजा हो पूजा हो पूजा है से पचारे के माँ केतोटी हस्त मानने हाथ केतुटा से भूल कही दशभुजा नारायणी पूजा कितु जिते बड़े दशहरा मानने राजा आसते देखी थे प्रथम थर माँ अष्टभुजा थी अष्टभुजार से दशभुजा थे पूजा कही दशभुजा से कह ठीक अच्छे का सका पुणी जी मंदिर को मत देख 10 हाथ न देख 10 हाथ तुम बेक कटा जा तुमको शास्ति मिल नि
कारण तुम लोक कह लोक कहते आप मद पीकि पूजा करते पूजा आम जेजेबापा आसिले आसला ये मंदिर पाखे मानने पहड़ पड़ी पड़ी मानते एत भक्ति भाव में डाकि सका राजा आसे से देखिले पूजारी आम अधिया पड़ी देखी अष्टभुजार नारायणी दशभुजा सब तो से राजा पूजारी उठेले उठेले कहले पूजारी महाशय आपड़ आज बर्तमान मंदिर मुख्य और कर्ता आपको देवता आखिरी देखिए आप पूजारी नुहत देवता से दिन आम टाइटल आमर मानने सांगिया सांगिया मानने ज्ञान देवता भी आम उपाधि अच्छे आम जन उपाधि से दिन मंदिर पूजारी आम अच्छे मंदिर पूजा ठीक भाव कर पंडित जी ये बोले कि पहले यहाँ मंदिर नहीं था, एक पत्थर का बना हुआ था बस मंदिर। तो हमारे यहाँ के राजा जो हरिहर मर्दरा सिंह है तो यहाँ अक्सर आते थे शिकार करने के लिए झील के पास। तो देखे ये पत्थर का बना हुआ मंदिर है तो यहाँ पे वो अपना मंदिर बनाए थे और इसका नाम है नारायणी टेम्पल। तो मेरे फ्रेंड्स ये मंदिर में और मतलब मैरिज भी होता है, अगर आप सभी को मैं दिखाऊंगा। एक भाई का जो आए हैं बड़े भाई उनका मैरिज हो रहा है तो थोड़ा दूल्हा को दिखाते आ जाओ। मंदिर का आप सभी को व्यू दिखाया फिलहाल, तो अभी हम घर जाने का टाइम आ गया। बट हमारा भाई जो मिल गए, एक सब्सक्राइबर मिल गए, तो उनका भाई का शादी आज हो रहा है तो आप सभी को तो दूल्हा का मैं वीडियो वगैरह दिखाया। तो अभी हम जा रहे हैं बट भाई लोग नहीं छोड़ रहे, बोल रहे खाना खा के तो देखते हैं। जो एक भाई का आज शादी था इस मंदिर में, तो वो भी आपको वीडियो हम सब दिखाए। तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग हो गया घर जाने के लिए, अभी 5-6 बजे मतलब टाइम हो गया होगा आई थिंक। तो मेरे फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर। और मेरी चैनल अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा होने के कारण पार्ट टू में आएगा, और पार्ट टू में एक बुजुर्ग गिर गए थे जो रोड में, उनका भी वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, चलते हैं। जय हिंद जय भारत।